आज के दिन सन 1881 में कलकत्ता टाउन हॉल में रामनाथ टैगोर की प्रतिमा लगाई गई थी। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय की प्रतिमा को सार्वजनिक स्थल पर स्थापित किया गया था। 1948 में देश के प्रथम पोत जल उषा का विशाखापट्टनम से जलावतरण किया गया था। इसे उस समय की तमाम उपलब्ध आधुनिक प्रणालियों से लैस किया गया था। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता बने थे। 1996 में सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा को ईरान ने वापस लिया था। 1999 में इंफोसिस कंपनी पहली भारतीय कंपनी है जो नैस्डैक अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची में आई। 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान का एशिया के चार देशों की यात्रा पाकिस्तान से प्रारंभ हुआ था। 2004 में स्पेन में 3 रेलवे स्टेशनों पर हुए बम विस्फोटों में 190 लोग मारे गए थे तथा 1200 लोग घायल हुए थे। 2006 में यूनानी संसद ने दाह संस्कार को अनुमति देने वाले कानून को बहुमत से पारित किया था। 2008 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान एंडेवर ने अंतरिक्ष स्टेशन की ओर उड़ान भरी थी। 2011 में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के समुद्र तट पर 350 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली धनुष और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। आज ही के दिन सन 2011 में जापान में प्रशांत तट पर तोहुकू के पास समुद्र में रिक्टर पैमाने पर 9 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद सुनामी ने भयंकर तबाही मचाई और 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही भारी नुकसान हुआ था। ये जापान के इतिहास का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था।